अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसमें आज का युवा कहीं ना कहीं ऑनलाइन जुए की लत में पड़ता जा रहा है। ये लत इतनी बढ़ गई है युवाओं में कि वह अपराध की दलदल में जा रहे हैं। जिस तरह से ऑनलाइन जुआ, बेंजो जैसे गेम जुआ के रूप में खिलाए जा रहे हैं, इससे आज का युवा कहीं ना कहीं अपराध के दलदल में जा रहा है, अपराध के दलदल में धंस रहा है। हम ऐसी ही एक कहानी, ऐसी ही एक स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाएंगे, पूरी कहानी बताएंगे इस नौजवान की जो कि आज एक अपराधी की भाषा बोल रहा है। इसे जुए की इतनी लत लग गई है कि वह इसको पूरा करने के लिए हर हाल में पैसा उसे चाहिए और बिंजो जैसे खतरनाक पैसों का जोखिम बना रहता है और इनको खेलने से वह कतई नहीं गुरेज करता है। इसको लेकर वह किस हद तक जा सकता है ये खबर भी बताएंगे। वही हमारे एंकर तेज बुंदेला इस सातिर की बातों में आ गए, अपनी इसकी मीठी मीठी बातों में आ गए और 25,000 रुपया इसने अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए, यह कहकर कि यह रकम हम तुम्हें सुबह वापस कर देंगे। का नाम है सौरभ राजा बुंदेला, खिरिया डांग का रहने वाला है। 25,000 रुपया जो कि तेज बुंदेला ने अपने खाते से ट्रांसफर किए, इसके लिए इसकी भोली भाली मीठी बातों मराकर और आज ये कहीं ना कहीं जैसे कि ये कहावत है चोरी और सीना जोरी और अपने स्टेटस के द्वारा पैसे देना तो दूर की बात, अपने ऐसे स्टेटस जो कि किसी न किसी अपराध को जन्म देते हैं, ऐसे स्टेटस डालकर कहीं ना कहीं तेज बुंदेला को एक चुनौती के रूप में पेश कर रहा है। के धाराएं तो सब पर होती है, इन धाराओं से काम नहीं चलेगा और मार ऐसी मारेंगे, चाचा विधायक हो चाहे फूफा बदमाश हो किसी का भी नाम नहीं चलेगा। आपको सबसे बड़ा अपराधी बता रहा है, ये अपने आप को बता रहा है इन स्टेटसों के द्वारा कि तुम्हारी ये हैसियत नहीं है कि तुम हमसे पैसा वसूल कर लो। वही ये जिस तरह से आपराधिक भाषा बोल रहा है, जिस तरह से ऑनलाइन जो ये गेम चलन में आए हैं, जो ये जुआ किसी तरह से ये जुए से कम नहीं है, ये सट्टे से कम नहीं है, इनमें पैसा लगाया जाता है, इसमें धन का जोखिम होता है और युवाओं को इतनी लत लग जाती है कि वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह से तेज बुंदेला के 25,000 रुपया इस सातिर ने अपने मीठी बातों के जाल में फंसा कर ले लिए अब देने का नाम नहीं ले रहा और आपराधिक भाषा बोल रहा है। अब पुलिस की शरण में जाने पर तेज बुंदेला का ये कहना है कि पुलिस ने कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की। अगर इसी तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के युवाओं को छोड़ दिया गया और पहले अपराध पर नहीं रोका गया तो ये समाज के लिए एक बड़े अपराधी के रूप में उभर के सामने आएंगे और आने वाले समय में ये अपनी लत को पूरा करने के लिए अपराध का रास्ता अख्तियार कर लेंगे, जब ये पुलिस के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द बनेंगे और समाज के लिए सरदर्द बनेंगे। इनकी पहली गलती पर अगर नहीं रोका गया, तेज बुंदेला की बात करें तो तेज बुंदेला ने जिस तरह से ये पैसे दिए, हालांकि ये भी गलत है, लेकिन अगर दिए हैं तो इनको वापस करना होगा क्योंकि तेज बुंदेला के पास स्टेटमेंट है और किसी के पैसे लेकर ना देना ये भी एक अपराध है और इस तरह के अगर अपराधों को बढ़ावा दिया गया तो इनके हौसले और बढ़ेंगे, ये अपराध की दुनिया में कहीं ना कहीं दूर तक चले जाएंगे कि ये समाज के लिए कहीं ना कहीं नासूर बनेंगे, पुलिस के लिए सरदर्द बनेंगे और इनके पहले अपराध पर इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। अब देखना है तेज बुंदेला को न्याय मिलता है या इसी तरह सौरभ राजा बुंदेला जो कि खिरिया डांग का निवासी है या दूसरे लोगों को भी चूना लगाएगा या दूसरे भोले भाले लोगों को ठगेगा और इसी तरह फिर उनके पैसे वापस नहीं करेगा। इस तरह से पुलिस को देखना है कि अब क्या कार्रवाई होती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तेज बुंदेला को न्याय मिलता है या इस सातिर के हौसले और बुलंद रहते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहे।